नमस्कार दोस्तों, त्रिशिला रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। बेसन दो कटोरी, इस कटोरी से बेसन दो कटोरी, उसका आधा एक कटोरी चीनी, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में मैंने नारियल, किशमिश, काजू, छुहारा को पतला पतला हमने काट लिया है, घी, इलायची, छोटी इलायची दो से तीन, दो चम्मच सूजी। मैं कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, में घी गर्म होने के लिए मैं डाल रही हूँ। इसे पूरी कढ़ाई में इस तरह से मिला लें ताकि चिपके नहीं बेसन और सूजी। फिर सूजी डालकर देखें, गर्म हो चुका है। मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, सूजी को एक बार हिला लें इस तरह से, हो गया। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, मैं इसे भूनूंगी। अब इसे मैं इस तरह से मिला रही हूँ, ब्राउन होने तक भून लूंगी इसे। इस तरह से खुशबू आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस तरह से ब्राउन हो रहा है कलर। इस तरह 2 से 3 मिनट तक इसे भूने आप। बेसन और सूजी बुना गया है, और इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी और चीनी डालूंगी। तो फिर से इसे मिला लेना अच्छे से। इस तरह से आप 2 से 3 बार मिला लें। गैस बिल्कुल, याद रहे गैस बिल्कुल कम ही रखें, ठीक है। मैं इस कटोरी से 2.5 कटोरी पानी डालूंगी। ये मैंने 2.5 कटोरी पानी रखा है। आप चाहो तो पानी की जगह पे दूध भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से इसे मिलाते रहें। इस तरह आप मिलाते रहें ताकि बेसन जम ना जाए। ये अभी इस तरह से हलवा तैयार हो गया। इसमें बचा हुआ मैं घी डाल देती हूँ इस तरह से, सबसे लास्ट में फूटा हुआ इलायची पाउडर आया। अब ये हलवा आपका तैयार हो गया, आपका बेसन का हलवा तैयार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।